स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल मैजिक मैथ्स बाय अजय सर पे। ओके स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एंड प्रीवियस वीडियो में मैंने इसके फॉर्मूलाज बताए थे क्यूबॉइड और क्यूब के, ठीक है। उसका टोटल सरफेस एरिया, उसका वॉल्यूम और क्यूबॉइड का 4 वॉल्स 5 वॉल्स भी आपको बताए थे। ओके, अब इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। हमारी एक्सरसाइज 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, देखना क्या क्वेश्चन है। अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग है, 1.25 मीटर वाइड है एंड 65 सेंटीमीटर डीप, ठीक है। इज टू बी मेड, इट इज ओपनड एट द टॉप। टॉप से क्या है, ओपन है, खुला है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट डिटरमाइंड, ठीक है। हमारे पास एक बॉक्स है, अलग अलग उसका मेजरमेंट दे रखा है, ठीक है। मेजरमेंट दे रखा है तो हम यहाँ लिख लेते हैं, लेंथ कितनी है उसकी, 1.5 मीटर, ठीक है। ब्रेथ या फिर विड्थ कितनी है उसकी, 1.25 मीटर है। और हाइट डीप है, वो गहरा है, वो प्लास्टिक बॉक्स गहरा है, इसका मतलब वो उसकी हाइट है। तो कितना हो जाएगा, उसमें दे रखा है 65 सेंटीमीटर, ठीक है। स्टूडेंट्स ध्यान रहे, इनकी यूनिट बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ये मीटर में है, ये मीटर में, तो ये सेंटीमीटर में नहीं चलेगा। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर, 100 का डिवाइड किया तो क्या बन गया हमारे पास, 0.65 मीटर, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब तीनों चीज़ें मीटर में आ गई हमारे पास, ठीक है। लेंथ आ गई 1.5 मीटर, ब्रेथ आ गई 1.25 मीटर और हाइट आ गई 0.65 मीटर। क्लियर है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, ओपन, इट इज ओपनड एट द टॉप, टॉप नहीं है। तो फेस कितने हुए उसके, 5 फेस हो गए। कितने हो गए, 5 फेस 5 वॉल्स हो गई। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखते हैं। द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, ऐसा बॉक्स बनाने के लिए कितनी शीट का मतलब हमें एरिया चाहिएगा। तो स्टूडेंट्स एरिया हमें कौन सा फाइंड करना पड़ेगा, 5 वॉल्स ही है इसके, टॉप है नहीं, तो 5 वॉल्स वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखते हैं एरिया ऑफ शीट, ठीक है, बट यूज करना है यहाँ पे 5 वॉल्स, ये भी साथ साथ में लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे, ठीक है। एरिया ऑफ शीट, शीट का एरिया कितना होगा। अब 5 वॉल्स का एरिया फॉर्मूला है 2H(L+B), ठीक है, प्लस एल बी, ये 5 वॉल्स का, ये इतना तो होता है 4 वॉल्स का, और एक और मिल जाए तो कितना हो जाएगा, 5 वॉल्स प्लस एल बी करने पे। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वैल्यू रखते हैं, 2 × H है 0.65, ठीक है, एंड ब्रैकेट लगाया, एल है हमारा 1.5 प्लस ब्रेथ है हमारा 1.25 प्लस एल इंटू बी, इसका मतलब 1.5 × 1.25, ठीक है। आपको डेसिमल नंबर्स के मल्टीप्लाई डिवाइड ये बहुत अच्छे से आने चाहिए, इसमें काम आएंगे खूब सारे। ओके, अगर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो उन चीज़ों में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, उन चीज़ों का भी मैं वीडियो अलग से आपको बना दूंगा, ठीक है। ये बेसिक लेवल के काम है। अब 2 को 0.65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 = 10, 1 carry, 6 × 12 = 1 13, ठीक है। 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगाना होता है तो यहाँ लगा दिया, ठीक है, 1.30 आ गया। इनको ऐड किया तो कितना आया, इसको ऐड करने पे आएगा हमारा 2.75, ठीक है। उनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, देखो ये पॉइंट हटा देंगे बाद में लगा लेंगे हम, तो कितना आएगा, 15 × 5 = 75, 7 carry, 15 × 2 = 30, 30 × 7 = 37, 7 × 3 carry, 15 × 1 = 15 × 3 = 18, ठीक है। यहाँ 1 डिजिट के बाद में पॉइंट है और इसमें 2 डिजिट के बाद में पॉइंट है, तो हमारे आंसर में 3 डिजिट के बाद में पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1.875, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब क्या करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2.75 को 1.30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। हम ये जीरो हटा भी सकते हैं, जीरो का कोई काम नहीं है, तो 1.3 को 2.75 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2.75 पॉइंट हटा लेते हैं बाद में लगा लेंगे, ठीक है। 13 से मल्टीप्लाई करें, 5 × 3 = 15, 1 carry 7 × 3 =, ठीक है, 21 और 1 22, 2 carry 3 × 6, 6 × 2 = 8, यहाँ पे 2.75, 5 × 7 = 7, 7 × 7 = 14, 1 × 15 = 1 carry 3, 3.575, और कितने डिजिट के बाद में पॉइंट, 2 और 1 = 3, तो 3.575 प्लस
1.875। बात समझ में आ गई। 1.3 को क्या किया हमने, 2.75 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आ गया 3.575। क्लियर है। अब क्या करते हैं, इनका एडिशन, ठीक है। 3.575 में ऐड करेंगे 1.875, तो कितना मिलेगा देखते हैं। 5 और 5 0 1 कैरी, ठीक है। 7 7 जा 14 14 एंड 1 15, ठीक है। 1 कैरी, 8 और 5, ठीक है। 13 13 एंड 1 14 14, और 1 कैरी, 3 और 1 4 और 1 5, तो हमारे पास आ जाएगा एरिया कितना आ जाएगा, 5.450, ठीक है। जीरो का कोई काम नहीं, हटा सकते हैं, मीटर स्क्वायर। मैंने आपको बताया था किसी भी चीज़ का एरिया फाइंड करें, किसी भी चीज़ का एरिया फाइंड करें, अगर मीटर है यूनिट में तो मीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया आ गया, उस शीट का एरिया आ गया। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें यही पूछा गया था कि द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, वो बॉक्स बनाने के लिए कितने एरिया का शीट हमें चाहिएगा। तो 5.45 मीटर स्क्वायर का हमें शीट चाहिएगा, इतने एरिया का चाहिएगा। क्लियर है, फर्स्ट समझ में आ गया। अब करते हैं इसका सेकंड, क्या बोलता है इसका सेकंड, द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट। अब कॉस्ट की बात कर रहे हैं, एरिया हमारे पास आ गया, अब कॉस्ट की बात कर रहा है। इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर कॉस्ट 20 रुपीज, इसका मतलब 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपया लग रहा है, 20 रुपीज़ लग रहा है भाई। 1 मीटर स्क्वायर का यहाँ लिखते हैं, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 20 रुपीज़, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर का कितना लग रहा है, 20 रुपीज़। हमारा तो कितना आया था, 5.45 मीटर स्क्वायर भाई। 1 मार्कर मेरे हाथ में, ये जो मार्कर है इसका 30 रुपीज़ लगता है, इसका 30 रुपीज़ लगता है, तो मेरे को ऐसे 10 मार्कर और चाहिए अलग अलग कलर के, बढ़िया सुंदर सुंदर। तो कितना रुपया लगेगा, आपको क्या करना होगा, 10 मार्कर और चाहिए, एक का लगता है 30, तो क्या करना पड़ेगा, 30 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 300 रुपीज़ आपके पास होंगे, या फिर 300 रुपीज़ में हमारे पास 10 मार्कर आ जाएंगे। वही कंसेप्ट इस पर अप्लाई होगा, वही कंसेप्ट इस पर अप्लाई होगा भाई। 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपये लग रहा है, 20 रुपीज़। वो जो शीट है, जो शीट है अपने पास, तो जो शीट अपने को बतानी है, तो 1 मीटर स्क्वायर का, उस शीट का 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपीज़ लगता है, हमें पता लगाना है 5.45 मीटर स्क्वायर का। सो द कॉस्ट ऑफ 5.45 मीटर स्क्वायर का कितना लगेगा, 20 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 20 से क्या कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा देखना, ठीक है। पॉइंट बाद में लगा देंगे, 5 2 10 और ये 0, 1 कैरी, 4 2 8 एंड 1 9, 5 2 10। यहाँ से 2 डिजिट के बाद में पॉइंट है, तो यहाँ पॉइंट लगा लेते हैं। अब इन जीरो का कोई काम नहीं, इस पॉइंट का भी कोई काम नहीं है। सो स्ट्रेंड्स, हमारे पास कितना आ जाएगा, 109 रुपीज़। इसका मतलब जो 5 वॉल्स वाला जो बॉक्स था, इसको अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करना। ये बॉक्स मान लीजिए हमने बनाया है, ये बॉक्स हमने बनाया है, इसकी मेजरमेंट हमें दे दी, लेंथ ब्रेथ और हाइट दे दी, और सबका यूनिट हमने सेम कर दिया, ठीक है। अब हमें ये ऐसा बॉक्स बनाना है, इसके टॉप नहीं है, इसके टॉप नहीं है, 5 वॉल्स ही हैं, तो 5 वॉल्स का एरिया हमें चाहिए भाई। कितने एरिया का, वो शीट कितनी लाएंगे, तो उसका हमने 5 वॉल्स का एरिया फाइंड कर लिया, 5.45 मीटर स्क्वायर। इतना काम हो गया। अब बात आती है पैसे की, ठीक है, बात किसकी आती है, पैसे की, कितना रुपया लगेगा। तो क्वेश्चन ने हमसे बोला कि 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपीज़ लगता है। सपोज ये अपन रियल लाइफ से जोड़े, तो दुकानदार बोलता है कि भाई साहब 1 मीटर स्क्वायर का तो आपके 20 रुपीज़ लगेगा। फिर अपन कैलकुलेट कर लेंगे अपने को कितना बॉक्स बनाना है, वही प्लास्टिक का बॉक्स बनाना है, तो अपना एरिया था 5.45 मीटर स्क्वायर, तो एक का 1 मीटर स्क्वायर का 20 लगता है, तो 5.45 मीटर स्क्वायर का कितना लगेगा, हमने क्या किया, मल्टीप्लाई, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 20 रुपीज़। सो द कॉस्ट ऑफ 5.45 मीटर स्क्वायर इज 20 मल्टीप्लाई 5.45, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 109 रुपीज़, ठीक है। 109 रुपीज़ लगेंगे वो प्लास्टिक का बॉक्स 5 वॉल्स वाला, बिना टॉप वाला बनाने के लिए। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन देखना क्या बोलता है हमें। सेकंड बोल रहा है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर, ठीक है। एक रूम है, ठीक है, जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है 5 4 3 respectively, find the cost of whitewashing the walls of the room and ceiling.
ठीक है, रूम में कलर करना है, वाइट वॉशिंग करवानी है एट द रेट ऑफ 7.50 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें सरफेस की बात कर रहा है, दीवारों पे तो होगा कलर, ठीक है, सरफेस की बात कर रहा है तो हमें एरिया फाइंड करना होगा। ठीक है, सबसे पहले तो इनका मेजरमेंट लिखते हैं। लेंथ है हमारा 5 मीटर, ब्रेथ है हमारा 4 मीटर एंड हाइट है हमारा 3 मीटर। सभी मीटर में है तो कोई समस्या नहीं, किसी को चेंज करने की जरूरत नहीं। अब देखते हैं एरिया कौन सा अप्लाई होगा। भाई चार दीवारों पे तो कलर करवाएगा ही करवाएगा, ठीक है, रूम के चार दीवारों पे कलर करवाएगा, और ये बोल रहा है सीलिंग पे भी करवाएगा। कहाँ पे करवाएगा? सीलिंग पे भी, ऊपर भी करवाएगा। तो कितनी वॉल्स हो गई? 4 एंड 1 5 वॉल्स। फर्श पे तो नहीं करवाएगा, फर्श पे कलर नहीं करवाएगा, उसने बता दिया। क्या बोला उसने? फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स। वॉल कितनी हुई उसकी? चार दीवार हुई, ठीक है, वॉल्स ऑफ द रूम एंड सीलिंग, इसका मतलब 5, कितना हो गया? 5 वॉल्स। तो 5 वॉल्स का पहले एरिया फाइंड करेंगे, 5 वॉल्स का क्या करेंगे? एरिया फाइंड करेंगे, फिर बाद में हमें यह बताना है भाई कितना पैसा लगेगा। उसने बोला पर मीटर का, एक मीटर का कितना लगता है? 7.50। तो सबसे पहले एरिया फाइंड करते हैं। सो एरिया ऑफ 5 वॉल्स, ठीक है, 5 वॉल्स का एरिया फॉर्मूला वही लगने वाला है, 2s ब्रैकेट l + b + lb। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वैल्यू रखें, 2 × h है हमारा 3, l + b मतलब 5 + 4 प्लस lb मतलब 5 × 4, ठीक है, 3 × 2 = 6, 5 × 4 = 9 प्लस 5 × 4 = 20, 9 × 6 = 54 प्लस 20 कितना हो गया? 54 और 20, ठीक है, 4 × 5 = 7, 74 मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया, टोटल एरिया आ गया, मतलब 5 वॉल्स का, चार दीवारों का और एक सीलिंग का ऊपर का, ठीक है, छत का जो हम कलर करवाते हैं। तो 5 वॉल्स का हमारे पास एरिया आ गया, हमें तो कॉस्ट फाइंड करना है, तो क्या लिखेंगे? द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज 7.50, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर की कितनी रुपये लग रही है? 7.50, हमें पता लगाना है 74 मीटर स्क्वायर का कितना लगेगा। सो द कॉस्ट ऑफ 74 मीटर स्क्वायर, तो 7.50 को क्या करेंगे? 74 से मल्टीप्लाई करेंगे, 74 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, तो हमारे पास कॉस्ट आ गई, ठीक है, 750 को 74 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है, यहाँ 0, 5 × 4 = 22 कैरी, 7 × 4 = 28 और 2 = 30, ठीक बात है, 0 ये कितना आएगा? 7 × 5 = 35, 3 कैरी, 7 × 7 = 49, 49 और 3 होता है 52, ठीक है, यहाँ 0, 5, 3 × 5 और यहाँ 5, ठीक है, कितने डिजिट के बाद में पॉइंट? 2 डिजिट के बाद में पॉइंट, तो हमारे पास आ जाएगा 555, कितना आ जाएगा? 555 ये रुपया आ जाएगा कि वो 5 वॉल्स पे कलर करवाने का टोटल कॉस्ट 555 रुपीज़ आ जाएगा, 555, ठीक है, बड़ा अच्छा नंबर आया, बहुत ही शानदार सीरीज आई, ठीक है, बात समझ में आ गई आपको अच्छे से। पहले हमने क्या किया? 5 वॉल्स का एरिया फाइंड कर लिया, 5 वॉल्स का एरिया फाइंड किया, उसके बाद में हमें पता था वही 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपया लगता है? 7.50, 7.50 को हमने क्या किया? 74 से मल्टीप्लाई करवा दिया, क्योंकि 74 ही मीटर स्क्वायर आया था हमारा एरिया 5 वॉल्स का, तो रुपये कितना मिला हमें? 555। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ओके, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इनके आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और जुड़े रहिए मैजिक मैथ्स बाई अजय सर के साथ, और साथ साथ में इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।